जनाब गुज़श्ता दिन दरअसल इमरान खान ने जो पेशावर में जलसे में खिताब किया और खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि जो हमारे न्यूक्लियर एसेट हैं वो हम चोरों के हाथ में दे दिए गए। आप क्या समझते हैं कि प्राइम एक्स प्राइम मिनिस्टर को इस तरह का पब्लिक गैदरिंग में इस तरह का बयान देना चाहिए था, ये उसके क्या असरात होंगे? देखिए, मैं इस मत में सिर्फ इतना कहूंगा कि हमें इस चीज के बारे में थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए न्यूक्लियर एसेट्स के बारे में बात करते हुए। एज फार एज हमारी सियासी क्यादत इस कंसर्न, ये न्यूक्लियर एसेट्स किसी एक सियासी क्यादत के साथ मुंसलिक नहीं है। जब से पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम शुरू हुआ, जितनी हुकूमतें आईं उन्होंने पूरी मेहनत, दयानतदारी और मुल्क के साथ वफादारी के साथ इस एटमी प्रोग्राम को आगे बढ़ाया और यहां तक पहुंचाया जहां पे आज हम हैं। सो ये किसी एक इंडिविजुअल का नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सियासी क्यादत ने भरपूर तरीके से पाकिस्तान की सालमियत के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है और इसी वजह से आज हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोग्राम ऐसी जगह पे है कि पूरी दुनिया में इसकी कमांड एंड कंट्रोल मैकेनिज्म, हमारे एसेट्स की सिक्योरिटी की इंटरनेशनल जो वैल्यूएशन है उसके अंदर वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स है। सो ऐसा कोई खतरा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को, और हमें थोड़ा सा इसको अपनी सियासी डिस्कशन में नहीं लाना चाहिए। इट इज नॉट गुड।